स्वागत है आपका दस्तक लाइव में। आइए बढ़ते हैं इंदौर की खबरों की ओर। पेट्रोल डीजल सहित अन्य वस्तुओं में हुई मूल्य वृद्धि के खिलाफ इंदौर में कांग्रेस द्वारा प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस पार्टी के सेवादल इकाई ने इस प्रदर्शन के दौरान बाबा रामदेव के पतंजलि आउटलेट के बाहर जाकर नारेबाजी की और बाबा रामदेव की प्रतिकृति पर एक ज्ञापन भी चिपकाया। कांग्रेस के सेवादल इकाई के कार्यकर्ता महंगाई के विरोध में जंजीरवाला चौराहा पहुंचे, जहां उन्होंने चौराहे के आसपास चक्कर लगाने के बाद पतंजलि स्टोर पर पहुंचकर जमकर नारेबाजी की। इस दौरान कांग्रेसियों का कहना था कि बाबा रामदेव ने वर्ष 2014 एवं 2019 के लोकसभा चुनाव के पूर्व देश के मतदाताओं को कहा था कि मोदी सरकार चुनिए, पेट्रोल 35 रुपए लीटर और डीजल 30 रुपए लीटर और गैस की टंकी 300 रुपए में मिलेगी, किंतु भाजपा की केंद्र सरकार में पेट्रोल डीजल व अन्य सामग्री पर महंगाई आसमान छू रही है। इस दौरान सेवादल के पदाधिकारियों ने कहा कि वह महंगाई के विरोध में चरणबद्ध आंदोलन आगे भी जारी रहेगा, क्योंकि बाबा रामदेव ने देश की जनता को गुमराह करते हुए कांग्रेस की यूपीए सरकार के खिलाफ मतदान करने की अपील की थी और दावा किया था कि भाजपा की सरकार आने पर आम जनता को पेट्रोल डीजल सहित अन्य वस्तुओं में राहत मिलेगी, किंतु ऐसा नहीं हुआ और आम जनता महंगाई से त्रस्त हो चुकी है। सेवादल के अनुसार आगामी समय में बाबा रामदेव के खिलाफ पुलिस प्रकरण भी दर्ज करवाया जाएगा। कांग्रेस सेवादल द्वारा पूरे देश में भाजपा सरकार के कुशासन से मुक्ति अभियान का पूरे देश में यह अभियान चल रहा है। इसके अंतर्गत ही हमने बड़ा गणपति चौराहे पर हस्ताक्षर अभियान भी महंगाई के खिलाफ करा था। आज उसी अभियान को आगे बढ़ाते हुए ये बाबा रामदेव जी का जो आउटलेट है, इस पर इंदौर में सबसे बड़ा है, यहाँ पर हमने प्रदर्शन करा। बाबा रामदेव जी ने देश की जनता को यह आश्वासन दिया था टीवी चैनलों के माध्यम से 2014 में कि आप बहुत हुई महंगाई की मार, अब लाओ मोदी सरकार, मोदी जी आएंगे तो 35 रुपये डीजल करेंगे, 30 रुपये 35 रुपये पेट्रोल करेंगे, 30 रुपये डीजल करेंगे। उसके विपरीत हुआ, आज 108 रुपये का पेट्रोल इंदौर में मिल रहा है और डीजल भी शतक मारने के करीब है। गैस की टंकी में आज भी 52 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। देश की जनता त्राही माम कर रही है और बाबा रामदेव जी की तरफ आशा भरी नज़रों से कर रही है कि बाबा रामदेव जी कब नींद से जागेंगे और 35 रुपये का पेट्रोल कराएंगे। उसी अभियान को लेकर आज हमने यहाँ ज्ञापन दिया। ये अभियान पूरा सतत चलता रहेगा, 15 दिन हस्ताक्षर अभियान भी होगा और हम संभागायुक्त को ज्ञापन भी देंगे। सेवादल के वार्ड में इस तरह भी इस तरह से काम करेगा जी। सेवादल का जल्दी वार्ड अध्यक्षों के माध्यम से हस्ताक्षर अभियान महंगाई के खिलाफ चलाया जाएगा। मुकेश यादव, इंदौर शहर कांग्रेस सेवादल अध्यक्ष। लोकतंत्र को बंद करो, बंद करो, बंद करो। नरेंद्र मोदी होश पे आओ, होश पे आओ, होश पे आओ। नरेंद्र मोदी होश पे आओ, होश पे आओ, होश पे आओ। नरेंद्र मोदी होश पे आओ, होश पे आओ, होश पे आओ। नरेंद्र मोदी होश पे आओ, होश पे आओ, होश पे आओ। आसुचाचा पीछे हो जाओ, हाय 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 हाय
कंप्यूटर।